हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल निधि मॉम एंड फूड। और आज हम बनाएंगे सूजी की ऐसी बर्फ़ी जो मुंह में रखते ही घुल जाए। और इसे हम देखिए, मैंने दो कलर वाली बनाई है, वाइट और ग्रीन। और ना इसमें हमने चीनी का यूज़ किया है, ना ही हमने चाशनी बनाई है। इसको हमने एकदम हेल्दी तरीके से बनाया है, क्योंकि इसे हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है और ये घी लिया है। जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना यूज़ करेंगे, बट कम से कम घी यूज़ करेंगे हम। और एक कुछ मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, तो मैं इसमें ये 3 चम्मच घी मिला देती हूँ। और ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो ये बादाम, काजू और ये कुछ सूखा वाला जो नारियल होता है उसके पीसेस करके लिए है, तो उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट करने से ना कोई भी ड्राई फ्रूट का टेस्ट अलग ही आता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हम 1-2 मिनट इसको रोस्ट करेंगे घी में। अब ये हो चुके हैं रोस्ट, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। अब ये घी हमारा गर्म ही है, तो इसी में हमने जो ये 1 कटोरी सूजी ली थी वो हम मिला देंगे। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है, उसको आपको धीरे धीरे भूनते जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक इसमें से एक स्मेल ना आए, सौंधी सौंधी खुशबू ना आए, तब तक इसे आपको भूनते रहना है। आप चाहो तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट हम कम घी में बना रहे हैं तो मैंने बस इतना ही घी लिया है, 3 चम्मच। और ये मैंने गुड़ ले लिया है, तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो 1 कटोरी गुड़ लेना ज़रूरी है, बट मैंने उससे थोड़ा कम लिया है। और उसको मैंने पानी में गलने के लिए रख दिया था, तो उसमें मैंने 2 कटोरी पानी मिलाया है। तो अभी हम सूजी को देख लेते हैं, तो सूजी में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको हमें धीरे धीरे भूनना है। अभी आप देख रहे हैं उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसी टाइम हमें इसमें ये 1 चम्मच बेसन मिलाना है। आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर या गेहूं का आटा भी मिला सकते हो, बट इसका और अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें बेसन मिलाया है। तो इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेना है, और एकदम चलाते जाना है, नहीं तो नीचे से सूजी जल जाएगी। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, मतलब कि सूजी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। और हलवाई लोग भी जब ऐसे हलवा या कुछ बनाते हैं तो उसमें ये बेसन ज़रूर मिलाते हैं। तो अभी मैंने वही कढ़ाई को खाली करके रख दिया है, सूजी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो हमने गुड़ रखा था गलने के लिए उसको मैंने छन्नी से छान लिया है, चाय वाली छन्नी से। तो अभी ये पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम ये थोड़ा सा इलायची और जायफल का पाउडर डाल देंगे। और हमने जो इलायची डाली थी उसके जो छिलके हैं वो हम नहीं फेंकेंगे, उसको भी इसी पानी में डाल देंगे, क्योंकि जब पानी बॉईल होगा ना तो इसमें बहुत अच्छी स्मेल आएगी। फिर बाद में आप चाहो तो इस छिलकों को निकाल के फेंक सकते हो, और अभी इसी में रहने देंगे। तो पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हमने जो सूजी रखी थी प्लेट में वो सारी इसमें मिला देंगे हम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कटोरी सूजी हो तो 3 कटोरी पानी डालना ज़रूरी है, बट मैंने 2 ही कटोरी पानी डाला था गुड़ में, क्योंकि अभी इसमें हम 1 कटोरी दूध मिलाएंगे, इसीलिए मैंने पानी 1 कटोरी कम डाला था। ट्रिक ये है कि हम चीनी से नहीं गुड़ से बना रहे हैं, तो अगर हमें पहले दूध मिला दिया होता तो गुड़ और दूध मिलके दूध फट जाता, लेकिन हम पहले इसको पानी में ही पकने देंगे। जब ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें दूध मिलाएंगे, तो हमारी ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी।
क्योंकि चीनी में तो सब बना लेते हैं, लेकिन गुड़ से सोचते हैं कि अगर गुड़ डालेंगे और दूध दोनों को मिलाएंगे दूध पक्का फटेगा, बट आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपका दूध भी नहीं फटेगा और गुड़ से बर्फ़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है जो फुल फैट क्रीम है, इसमें से मैंने क्रीम नहीं निकाली है क्योंकि हम घी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसे आप फुल फैट क्रीम डालोगे, फुल फैट क्रीम मिल्क डाल दोगे तो बहुत अच्छे से आपकी बर्फ़ी बनेगी जो मुँह में रखते ही घुल जाएगी। तो इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसे तब तक पकाना है जब तक एकदम डो की तरह ना हो जाए ड्राई। तो इसे हम धीरे धीरे ऐसे पकाते जाएंगे, जब ये कढ़ाई छोड़ देगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो आप देख रहे हो अभी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इस टाइम आप चाहो तो एक चम्मच या दो चम्मच घी डाल सकते हो, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच घी मिलाया है और इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर लूँगी। आप इसको चीनी से बनाओगे तो इसका कलर एकदम वाइट रहेगा, बट हमने गुड़ से मिलाया है, गुड़ से बनाया है और देसी वाला गुड़ यूज़ किया है तो इसका हल्का कलर ब्राउन सा लगने लगा है। तो जो भी हमने ये सूजी का बनाया था उसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। तो एक को हम ऐसे वाइट ही रखेंगे और इसको एक में थोड़ा सा हम फूड कलर मिलाएंगे। तो जो मैंने बाउल में रखा है उसमें मैं ग्रीन वाला कलर मिलाती हूँ क्योंकि हम 2 लेयर की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो हमारी एक लेयर वाइट रहेगी और एक ग्रीन। तो आप इसमें चाहो तो 2 बूंद पानी या दूध मिला सकते हो, पर मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है तो बस मैं ऐसे ही डो बना लेती हूँ। उसको अच्छे से मसल लेना ताकि ये पूरा कलर अच्छे से आ जाए। तो आप देख रहे हो पूरा कलर अच्छे से आ चुका है, बस उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली है। तो उसमें जो वाइट कलर का जो हमारा ये सूजी का बचा हुआ था डो उसको मैंने फैला दिया है और चम्मच से ऐसे दबाते जाना है। तो ये वाइट वाली लेयर अच्छे से बन चुकी है। तो हमने जो ये कलर मिलाया था जिसमें ग्रीन वाला, उसे भी हम ऐसे ही ऊपर फैला देंगे। अगर आप चाशनी बनाकर बनाते तो ये थोड़ा सा गीला रहता और आपको दोनों को बारी बारी ट्रांसफ़र करना पड़ता एक प्लेट में, बट हमने चाशनी नहीं बनाई है। तो आप देख रहे हो दोनों लेयर हमारी सेट हो चुकी है। आप चम्मच या कटोरी से प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। तो अभी हम इसमें कट लगाएंगे। इसे हमने सिर्फ एक कटोरी सूजी से बनाया है, बट यही बर्फी अगर हम मार्केट से लाते हैं तो ये हमें बहुत महंगी मिलती है, तो इससे तो अच्छा है कि हम घर पर ही बनाएं। तो मैं इसे एक बराबर से काट लेती हूँ। तो अभी सारे कट लग चुके हैं। तो मैंने कुछ जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे, कुछ बादाम है कुछ काजू है, उसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ एक एक पीसेस के ऊपर। तो जब सभी पीसेस के ऊपर जब हमें ड्राई फ्रूट रख देंगे तो उसके बाद हमें इसके ऊपर एक और काम करना है और वो है डेसिकेनेट कोकोनट, जो इससे बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैंने ये ले लिया है डेसिकेनेट कोकोनट, जो आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अगर आप चाहो तो एक एक पीस को निकाल के ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसमें अल्टी पल्टी करके भी आप ये कर सकते हो, बट मैंने फटाफट किया है तो इसके ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से पूरा सेट हो चुका है। तो अभी हम एक चम्मच लेंगे और उससे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट और डेसिकेटेड कोकोनट है जो अच्छे से सेट हो जाए।
तो अभी आप देख रहे हो हमारी मिठाई बनके रेडी है, और इसे मैंने एक प्लेट में भी निकाल लिया है। तो कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, एकदम कलरफुल ग्रीन एंड वाइट। आप चाहो तो किसी एक कलर से भी बना सकते हो। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं, और आप भी बना के मुझे कमेंट करना कि आपकी ये रेसिपी अच्छी बनी कि नहीं। तो आप देख रहे हो हमने इसे थोड़ा सा रोज़ पेटल से डेकोरेट कर दिया है, तो ये और भी सुंदर लग रहा है। तो ये बन के रेडी है हमारी मुंह में रखते ही घुल जाने वाली सूजी की बर्फी, जो हमने बहुत ही कम घी यूज़ करके और गुड़ से बनाई है। तो आप देख सकते हो इसकी दोनों लेयर भी कितनी परफेक्ट लग रही है।